Hey guys, this is Riya Chaudhary and welcome back to my new vlog. तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज मदर्स डे है और मैं ये चीज यहाँ पे शूट क्यों कर रही हूँ कमरे में आके चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि बाहर मम्मी सुन लेगी और मम्मी को हम सरप्राइज देने वाले हैं. तो इसीलिए मैं और सिमी मार्केट जा रही हूँ. मेरे को भी अपने काम है कुछ, तो कुछ वो काम कर लेते हैं, उनके गिफ्ट वगैरह ले लेंगे, केक वगैरह लेंगे. तो मैं और सिमी थोड़ी देर में जाने वाले हैं. खाना खा के घर से निकलेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. तो आज खाने में बने हैं कद्दू चावल और मैं तो कद्दू रोटी ले रही हूँ. मेरा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है. अपना खाना हो चुका है, मेरी तरफ मत देख, फटाफट ये खाना फिनिश कर और जल्दी से रेडी हो जा, तू मेरे साथ चल रही है, ठीक है? तो रेडी तो मैं और खुशी हो गए हैं, पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से मेरा मन भी कट रहा है जाने से. यशपी ने खाना खा लिया है, पानी रख दो उसका. चलो अब मैंने भी फेस कवर कर लिया, अब मैं इधर आ रही हूँ तो खुशी ऊपर चली गई. बार बार कोई ना कोई इधर उधर जा ही रहा है. बैठू मैं? तो अभी हम सबसे पहले केक लेने के लिए आए हैं, पहले केक ले लेते हैं, डन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के गिफ्ट वगैरह ले लेंगे. भैया ये वाला केक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लग रहा है सिंपल सा, ठीक है? हाँ नहीं, चॉकलेट वाला नहीं. तुझे भी अच्छा लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता चॉकलेट वाला फ्लेवर, मुझे नहीं लगता यार. हाँ मुझे इसी टाइप का चाहिए, ये फूल वाले नहीं चाहिए. तो केक तो हमने बोल दिया इनको बनाने के लिए, क्योंकि रेडी नहीं है अच्छे अच्छे डिजाइन के, तब तक हम गिफ्ट ले लेते हैं. सही है वैसे तो ये, और देख लो एक बार, ऐसे लास्ट टाइम थे वो, पर थोड़ा लाइट कलर था इनमें से. एक बार बाहर निकाल के देख लो. दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे लग रहे हैं. तो सेम चाहिए मुझे दोनों, यही अच्छे है. डन कर लो? कर लो. बता तुझे और कुछ इससे अलग समझ में आ रहा है? बता. यही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. यही है, ठीक है, यही वाले डन कर दीजिए आप. ये वाले गिफ्ट तो हमने ले लिए हैं, अब इनको पैक करा लेते हैं. गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा. ये पकड़. नहीं सॉरी, सर्दी लग रही है. नहीं बस यही, चलो. तो हमारा प्लान चौपट हो गया, वो सरप्राइज वाला इन्हें मोहतरमा को दिख गया, वो केक हमने जो रख रखा था ना उसमें फ्रिज में, और उन्हें देख लिया. मुझे लगा क्या ही करने के लिए जाएगी, लेकिन मम्मी से क्या बचा सकते हैं हम. तो ये वाली जो टेबल है हमें ये बाहर करने वाले हैं. क्या करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा ही भाई, कुछ सामान और रह गया बस. इसको तो मैं यहाँ पे रख दूंगी. अग्गी बाहर निकल जा. ऐसे निकलेंगे? नहीं, टेडी करनी पड़ेगी. एक बार बता रही हूँ, दीवार में इतनी ज्यादा खरोंचे, इतने ज्यादा निशान हो गए हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल की वजह से. थोड़ा धीरे से करना भाई प्लीज. अब तो उठा लो, से सीधा करके उठा लो. किस आदमी को मेरे साथ लगा दिया? किस लड़की को मेरे साथ? बकवासबाजी बहुत हो रही है, सच बता रही हूँ. धीरे से मुंह बंद करो भाई, भारी है ये तो. चलो धीरे से, बस 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 रख दो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? ठीक है. वुमन, ह्यूमन, ह्यूमन बोला तुमने, मुझे तो यूमन ही सुना. चलो हमारी माता ही रेडी हो चुकी है. चलो मम्मी जल्दी, अंधेरा होने वाला है, आओ जल्दी. चल उठा ले, एक निकाल के ले आ फ्रिज से. मम्मी वो छोटी वाली बटन उसने कर दिया. क्या टेंशन का माहौल मचा रखा है. तो क्या बताओ पहले कैसे? मम्मी ने तो आशीर्वाद दे दिया खुशी से. हो इसकी खुशी देखो. डिजाइन कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ आप लोग. एक तो पिंक कलर की हो रही है और एक रेड कलर की हो रही है. चलो साथ में खड़े हो जाओ भाई, इसे इसमें से ये निकाल देगा तस का नीचे से. किसका हैप्पी बर्थडे है ये बताओ पहले आप. अच्छा ये दोनों खुशी का बर्थडे है. अग्गी को गोदी ले लो भाई. चलो क्लैपिंग करेंगे बहुत तेज तेज. आओ छोटे बच्चों को गोदी ले लो भाई. आप क्लैपिंग नहीं कर रहे हो? इसको गोदी ले लेते भाई, इसको तो दिख भी नहीं रहा होगा.
एक दूसरे को खिला दो चलो जाओ खिलाओ आप एक दूसरे को खिलाओ सारे बस हम ना खाए तो तुम खाओ अग्गी दादा को खिलाओ भाई के एक हैप्पी मदर्स डे श्रावणी को विश करना चाहिए चल खुशी इनके गिफ्ट्स लेके आ दोनों के इसको पकड़ो हैप्पी मदर्स डे थैंक यू लो अगरो तो ये आप लोगों के गिफ्ट है हम सब की तरफ से मुझे दादा चाहिए ये मुझे ओपन करो इसको अगे आप इधर आओ खोल लो इसे चलो खोलो खोल के बताओ क्या है देखते हैं चलो कंपटीशन है कौन सा पहले खोलेगा चलो 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 स्पीड से तुम्हारी मम्मी ने खोल दिया भाई पहले बड़ी मम्मी ने कर दिया वाओ बहुत अच्छी है क्या हुआ थैंक यू तो कैसे लगे आपको गिफ्ट बढ़िया लगे बहुत अच्छा लगा चलो इन्हें केक को कट करके डिस्ट्रीब्यूट करो जैश्वी को भी रोना आ रहा है इसको भी बहुत पसंद है केक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर चल रहा है फिलहाल तो खुशी को तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ये नहीं खाती है बिल्कुल भी इसको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता अपने बर्थडे में भी नहीं खाती है ये हाँ क्या बात ऐसा कर इसका बाउल लेके आ जा एक पीस उसमें रख दे जैश्वी को केक बहुत ज्यादा पसंद है इसकी स्मेल से भी इसको नहीं रहा जाता बचपन से ही जब ये छोटा था तब से ही डैडी का और बाबा जी का निकाल के फ्रिज में रख देना जब वो आ जाएंगे तब खा लेंगे ठीक है वांटी क्या कहा मतलब है क्यों तड़पा रही है इसको रख दे ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे आपका ही था देखो नाक आपकी इधर तो कर कैसा लग रहा है बर्थडे बॉय ये ले तेरा बाउल भी खिसक के यहाँ पे आ गया क्या कर रही है खुशी खुशी टेबल के ऊपर चढ़कर ही ऐसे खाना खा रही है इंडियन कल्चर में आता है टेबल के ऊपर चढ़ के टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ आज मदर्स डे है क्या कहना चाहेंगे आप फ्रूट खाओ हाँ देखिए सर क्या हो गया क्या दिख रहा है तेरे को बिस्तर है बेटा वो आ जा बिस्तर है बिस्तर आओ चलो ये देखो बिस्तर है ना क्या लग रहा था तेरे को क्या है ये देखो वो कोमल बिस्तर रख के गई थी ना तो बस वो दिख गए इसको पता नहीं लगा क्या है और अपना भोगना शुरू कर दिया और आज इधर टेंट लगा हुआ था ना उसे देख के भोगरा भोगरा छत पे खड़ा हुआ एक उल्लू तो अभी सबको बहुत ज्यादा भूख लग रही है सब बैठ के साथ में खाना खाने वाले हैं करो नो थैंक्स प्लेट दे मेरी आपको कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगी थी ना डैडी मम्मी आपने ना आज उन्हें स्वीट बहुत ज्यादा डाल दिया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कुछ ज्यादा मीठा हो गया बाकी मुझे मीठा अच्छा भी नहीं लगता मीठा ही बनाते हैं नहीं इतना मीठा तो मुझे नहीं थोड़ा बहुत होता है कद्दू नहीं बना है असली पेठा होना क्या असली पेठा मैं नहीं जानती पेठा क्या होता है अच्छा चारों खाने लगे हो भाई मेरा गए प्लेट लेके आओ प्लेट अब मैं अभी क्या लेके आई थी चटनी वाकई लाजवाब लग रही है यमी लग रही है बहुत बेकार लग रही है अभी यमी बोल रही थी और जब इसने बोला ना कि मैंने बनाई है तो इसने मम्मी एकदम से चेंज कर दिया अच्छा ये लस्सी मीठी है क्या मेरे को भी दे दो मीठी है या खट्टी है खट्टी